जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में संकल्प योजना अंतर्गत मेगा कौशल एवं जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन गुरुवार को जिला पंचायत विश्राम भवन के शुभदायक गार्डन में किया गया, जिसमें 111 से अधिक युवा बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, सचिव जिला वृक्ष सेवा प्राधिकरण गुना, नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, पार्षद गण, आचार्य आईटीटी नवीन रेकवार, जिला रोजगार अधिकारी बीएस मीना, रोहतक जिला उद्योग केंद्र आर के जैन, जनपद सीओ गौरव खरे सहित युवा एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्री मीणा ने बताया कि 347 युवाओं का प्रारंभिक चयन एवं 111 का ऑफर लेटर प्रदान किया गया है। इस आयोजन में आज निजी क्षेत्र की 12 कंपनियां द्वारा निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। जनसंपर्क संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के आदेश के तहत गुरुवार को जिला जनसंपर्क कार्यालय गुना में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त सहायक संचालक सोनिया परिहार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आज इस दौरान प्रभारी जिला जनसंपर्क अधिकारी बीएस मीना, कामनी कौशल एवं सौरभ तथा रोहित गोस्वामी द्वारा उपस्थित स्टाफ ने उनका भव्य स्वागत किया। स्पाइस बोर्ड द्वारा सुगंध उद्योग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेस महासम्मेलन मध्य प्रदेश के जनक नारायण प्रसाद गुप्ता नानाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बेस महासम्मेलन के जिला महामंत्री विकास जैन ने बताया कि नानाजी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बेस महासम्मेलन गुना की युवा इकाई द्वारा सुबह 11 बजे जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में विशाल रक्तदान किया गया, जिसमें 25 से अधिक बेस बंदियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, जिला प्रभारी DN लिखा, जिला महामंत्री विकास जैन, युवा इकाई संभागीय प्रभारी सौरभ अग्रवाल, जिला अध्यक्ष गौरव खंडेलवार, सिद्धार्थ अग्रवाल, मयंक विजय वर्गीय, सुनील सोनी, पुनीत अग्रवाल, सागर अग्रवाल, आशुतोष महेश्वरी, अतुल अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में बेस जन उपस्थित रहे। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपके जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश शहर जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।